सीएम केजरीवाल ने कहा बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये कौन है एलजी। दिल्ली विधानसभा सत्र के दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर भगवान ने चाहा तो आने वाले दिनों में केंद्र में हमारी सरकार भी आ सकती है। साथ ही सीएम ने कहा कि दिल्ली के स्कूलों में पढ़ने वाले 2 करोड़ बच्चों को अपना बच्चा मानता हूं। सीएम ने कहा कि 30 टीचर्स और प्रिंसिपल को फिनलैंड जाना था, लेकिन एलजी साहब ने 2 बार हमारे इस प्लान को रोक चुके हैं। आखिर सीएम केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में क्या कहा, जरा आप भी सुन लीजिए। कि किसी भी राज्य के अंदर या देश के अंदर चुनी हुई लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार की चलनी चाहिए या किसी एक व्यक्ति विशेष की चलनी चाहिए, ये बेहद गंभीर विषय है। इसके ऊपर कई सारे मुद्दों पर चर्चा हुई, कई सारे मुद्दे पिछले दिनों में उठे हैं। इसके ऊपर मैं एलजी साहब के पास भी गया था मिलने के लिए 3-4 दिन पहले, और मेरी जो बातचीत एलजी साहब से हुई वो भी आज विस्तार से मैं इस सदन के सामने सभी एमएलए के सामने रखना चाहूंगा। मेरी इच्छा थी कि बीजेपी के साथी भी यहां मौजूद होते और वो भी बात सुनते, ताकि इस चर्चा को एक कंस्ट्रक्टिव रूप दिया जा सकता। समय बड़ा बलवान होता है, किसी कुछ भी परमानेंट नहीं है जिंदगी में, इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है। कोई अगर सोचे कि मेरी सरकार बन गई अब जिंदगी पूरे मेरी सरकार रहेगी, ऐसा नहीं होने वाला। आज मेरी सरकार है, कल हमारी सरकार नहीं होगी। हमारी सरकार 5 साल है, 10 साल है, 15 साल है, 20 साल है, कभी ना कभी तो बदलेगी। आज उनकी सरकार है, परमानेंटली उनकी सरकार नहीं होगी। आज है, कल है, परसों है, अगले दिन बदलेगी। आज दिल्ली में हमारी सरकार है, उनके एलजी हैं, केंद्र में उनकी सरकार है। कल अगर भगवान ने चाहा, ऐसा भी हो सकता है कि केंद्र में हमारी सरकार हो। दिल्ली में हमारे एलजी हों, और हो सकता है दिल्ली में हमारी हो, कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, किसी और की सरकार हो। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हमारा एलजी इस तरह से तंग नहीं करेगा उस टाइप में जो भी सरकार होगी। हम चुनी हुई सरकार की इज्जत करते हैं, हम लोगों की इज्जत करते हैं, लोगों के मत की इज्जत करते हैं, लोगों के वोट की इज्जत करते हैं, जनतंत्र की इज्जत करते हैं, हम संविधान की इज्जत करते हैं। दिल्ली में 2 करोड़ लोग रहते हैं। मैंने हमेशा कहा है कि ये 2 करोड़ लोग एक परिवार हैं। हमने हमेशा इसको एक परिवार माना है। इस परिवार में लोगों के जब भी कोई सुख दुख होते हैं, हम हमेशा सुख दुख में काम आते हैं। इन 2 करोड़ लोगों में जो बच्चे हैं, इनके जो बच्चे हैं, वो मेरे बच्चे हैं। मैं उनको हर्षिता और पुलकित से अलग नहीं समझता, उनको मैं अपना बच्चा समझता हूं। तो जितनी अच्छी शिक्षा मैंने हर्षिता और पुलकित को दी है, उतनी अच्छी शिक्षा मैं दिल्ली के एक एक बच्चे को देना चाहता हूं। ये मेरा मकसद है, और उसी मकसद से हम लोगों ने शिक्षा के ऊपर, क्योंकि मुझे ये लगता है कि अगर हमने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे दी तो देश का भविष्य बनेगा, बच्चों का भविष्य बनेगा तो देश का भविष्य बनेगा। उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने शिक्षा पे इतना खर्चा भी किया, इतने अच्छे अच्छे शानदार स्कूल बनाए। जो सबसे ज्यादा आज स्कूलों के नतीजे बहुत अच्छे आ रहे हैं, लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल निकाल के सरकारी स्कूलों में भर्ती कर रहे हैं। शायद 75 साल आजादी के 75 साल के बाद पहली बार ऐसा हुआ है। उसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे टीचर्स और प्रिंसिपल्स का है, और उनको मोटिवेट करने के लिए और उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करने के लिए हमने उनको पूरी दुनिया में बेस्ट से बेस्ट ट्रेनिंग दिलवाई है। हमने बहुत सारे टीचर्स को विदेश भेजा, बहुत सारे टीचर्स को आईएम्स में भेजा, बहुत सारे टीचर्स को अलग अलग यूनिवर्सिटीज में भेजा ट्रेनिंग करने के लिए। 1000 से ज्यादा टीचर्स प्रिंसिपल्स को हम विदेशों में अभी तक ट्रेनिंग करा चुके हैं। अब 30 टीचर्स और प्रिंसिपल्स को फिनलैंड जाना था ट्रेनिंग करने के लिए। वैसे तो हमारी चुनी हुई सरकार है, मैं मुख्यमंत्री हूं, ये शिक्षा मंत्री हैं। मुख्यमंत्री ने कह दिया भाई टीचर फिनलैंड जाएंगे ट्रेनिंग के लिए,
तो बस ये फाइनल होना चाहिए। यही तो जनतंत्र है। और जनतंत्र क्या है? अगर मुख्यमंत्री ने और शिक्षा मंत्री ने कह दिया भाई मैं अपने टीचर्स को फिनलैंड ट्रेनिंग कराने जाऊंगा, भेजना चाहता हूं, बस यहां खत्म हो जानी चाहिए थी बात। लेकिन यहां अजीब जनतंत्र है, सारी फाइलें एलजी साहब के पास जाती हैं, सारी फाइलें एलजी साहब के पास जाती हैं। एलजी साहब ने एक बार नहीं, दो बार ऑब्जेक्शन लगा के फाइल के ऊपर भेजा। अभी मैं पढ़ के सुनाऊंगा थोड़ी देर में। दो बार ऑब्जेक्शन लगा के भेजा। तो जब बार बार ऑब्जेक्शन लगाया जाता है, एलजी साहब कह रहे हैं ना कि मैंने तो मना थोड़ी किया, जब दो बार ऑब्जेक्शन लगाया आप तीसरी बार भेजेंगे तो फिर ऑब्जेक्शन लगाएंगे, तो इसका मतलब आपकी नीयत खराब है। एक बाबू क्या करता है? आप अपना लाइसेंस बनाने जाते हो, लाइसेंस बनाने वाला मना थोड़ी करता है, वो ऑब्जेक्शन पे ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन पे ऑब्जेक्शन। फिर आप दलाल को पकड़ते हो, वो दलाल कहता है इतने पैसे दे दो, बाबू को अंदर पैसे दे दूंगा और वो फाइल क्लियर कर देगा। तो ये बार बार जो ऑब्जेक्शन लगाए जा रहे हैं, इसीलिए तो लगाए जा रहे हैं, नीयत खराब है, फिनलैंड टीचर्स को भेजने नहीं देना चाहते। आज मैं ये लेके आया हूं महोदय, बीजेपी वालों के कितने एमपीज ऐसे हैं, ये पूरी लिस्ट है, जो खुद विदेशों में पढ़ के आए हैं। इनकी कभी इनके मां बाप ने कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करी? कितने एमपी ऐसे हैं जो खुद विदेशों में पढ़ के आए हैं? इनके कितने एमएलए ऐसे हैं जो खुद विदेशों में पढ़ के आए हैं? कभी इनके मां बाप ने कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करी? ये बच्चे हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स के, बीजेपी वालों के बच्चे, जिन जिन के बच्चे अभी विदेशों में पढ़ रहे हैं। मेरे को इससे कोई एतराज नहीं है, मैं किसी की शिक्षा के खिलाफ नहीं हूं। बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले, आम आदमी पार्टी वाले, जिसको भगवान ने अच्छा दिया जिंदगी में, वो अपने बच्चों को भेजे, जरूर भेजे, अच्छी से अच्छी शिक्षा सबके बच्चों को मिलनी चाहिए। मैं इसके विरोध में नहीं हूं कि इन्होंने क्यों भेजा, मैं इसके विरोध में हूं कि अगर तुम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हो तो गरीबों के बच्चों की अच्छी शिक्षा के खिलाफ क्यों हो तुम लोग? अगर हम अपने बच्चों को, गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, तो तुम रोकने वाले कौन होते हो? ये एक फ्यूडल माइंडसेट है, ये कई सौ साल पुराने जो हमारे देश में फ्यूडल माइंडसेट है ना, कि गरीबों को अच्छी शिक्षा, इस जात के लोगों को, उस जात के लोगों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए, गरीबों को अच्छी शिक्षा नहीं, शिक्षा जो है इन ठेकेदारों की बपौती रहनी चाहिए। इसको तोड़ना है हम लोगों को। और ये एलजी साहब उसी माइंडसेट से आते हैं कि एलजी साहब के बच्चों को तो मिलनी चाहिए अच्छी शिक्षा, गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए। इस माइंडसेट को तोड़ना है अपने को, पूरे देश को तोड़ना है। आजादी मिल गई, लेकिन ये माइंडसेट अभी भी है कि गरीबों के, इस जात के, उस जात के बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं लेने देंगे। ये विदेश कैसे जा सकते हैं? पढ़ो, एलजी साहब ने लिखा है इंडिया में करा लो ट्रेनिंग, ये एलजी साहब की नोटिंग है, इंडिया में करा लो ट्रेनिंग। अरे क्यों करा ले इंडिया में ट्रेनिंग? हम कम है किसी से? गरीबों के बच्चे कम है किसी से? गरीबों के बच्चे हैं तो इंटेलिजेंट नहीं है क्या? क्यों करा ले? हम तो अपने बच्चों को फिनलैंड भेजेंगे। पूरी दुनिया में सबसे अच्छी शिक्षा फिनलैंड के अंदर मिलती है, सबसे अच्छी, ये सबको पता है। फिनलैंड पूरी दुनिया में शिक्षा में नंबर वन है, और उसमें भी जो नंबर वन यूनिवर्सिटी है उसमें भेज रहे हैं हम, पूरी दुनिया में जो नंबर वन है। हम तो भेजेंगे सर, दिल्ली के लोगों का पैसा है, टैक्स का पैसा है, दिल्ली के लोगों का, टैक्स के पैसे से, दिल्ली के टैक्स के पैसे से भेज रहे हैं, लोगों का पैसा, लोगों के बच्चे, अपने पैसे से लोग अपने बच्चों को ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं। ये वो क्या कहते हैं पराए घर में अब्दुल्ला दीवाना, ये एलजी कौन हो गया है? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये एलजी कहां से आ गया? कौन है एलजी? कहां से आ गया एलजी? किस बात का एलजी? कौन एलजी? कौन लेफ्टिनेंट गवर्नर? हमारे सर पे बैठ गया के लेफ्टिनेंट गवर्नर? अब वो तय करेंगे कि हम अपने बच्चों को कहां पढ़ाएंगे? ऐसी सामंतवादी सोच के लोगों ने आज हमारे देश को पीछे छोड़ा हुआ। मैं कई बार सोचता था 70 साल हो गए हमारे देश को, 75 साल हो गए हमारे देश को, इतना पिछड़ा कैसे रह गया, इतना अनपढ़ कैसे रह गया, इतना गरीब कैसे? इन लोगों ने जानबूझ के इन लोगों ने देश को गरीब रखा है, इन लोगों ने हमारे बच्चों को पढ़ने नहीं दिया। ये तो सामने आ गया, नंगे हो गए ये लोग, इन लोगों ने हमारे बच्चों को। बड़ी मजे की बात है, एलजी साहब के पास पावर नहीं है ये करने की, एलजी साहब के पास पावर नहीं है ये करने की। मैं भी आपको दिखाता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने
साफ साफ कहा है कि भाई तीन चीजें हैं, एक है पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड। इन तीनों चीजों को छोड़ के एलजी साहब के पास कोई भी निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। यह सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, 4 जुलाई 2018 को यह ऑर्डर पास किया था सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट तो देश की सर्वोच्च अदालत है, वो तो सबको माननी पड़ती है ना। इसमें से मैं पढ़ के सुनाता हूं, इसमें लिखा हुआ है पैरा 284। अब तो सबको रट गया होगा पैरा भी, कल तीन दिन से मैं बोल रहा हूं, 284.17 पैरा। इसमें लिखा है द लेफ्टिनेंट गवर्नर हैज नॉट बीन इंटरेस्टेड विद एनी इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग पावर। इसकी हिंदी क्या हुई, लेफ्टिनेंट गवर्नर, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को स्वतंत्र रूप से कोई भी निर्णय लेने का अधिकार नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट को पता था एक बार लिखने से नहीं मानेगा एलजी, उन्होंने दो बार लिखा, उन्होंने फिर पैराग्राफ नंबर 475.20 में लिखा देयर इज नो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी वेस्टेड इन लेफ्टिनेंट गवर्नर टू टेक डिसीजंस। अब इससे फालतू बेचारा सुप्रीम कोर्ट भी क्या करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ लिखा है भाई एलजी साहब के पास डिसीजन लेने की पावर नहीं है। मैं जब एलजी साहब से मिलने गया अभी तीन दिन पहले, तो मैंने ये पढ़ के सुनाया उनको, मैंने कहा सर सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है। कहते हाँ सुप्रीम कोर्ट की अपनी राय हो सकती है। सर अध्यक्ष महोदय, इसके बाद मेरे पास कुछ कहने को नहीं बचा था। इतने बड़े संवैधानिक पोजीशन के ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति अगर ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट की राय हो सकती है, मैंने कहा सर आप जो ये कह रहे हैं ना, ये सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट है, आप ऐसा नहीं बोल सकते। सुप्रीम कोर्ट का आदेश कानून है इस देश का, सुप्रीम कोर्ट का आदेश बाइंडिंग है इस देश के ऊपर, इस देश के हर नागरिक के ऊपर। बोले नहीं, मैं बोले संविधान में लिखा है कि एलजी एडमिनिस्ट्रेटर है, एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब शासक होता है, तो मेरे पास सुप्रीम पावर्स है, मैं कुछ भी कर सकता हूं। इसके बाद में क्या कहता, फिर उन्होंने कहा कि मैंने मना थोड़ी किया है। मैंने कहा जी दो बार आपने वापस भेज दी फाइल, दो बार आपने लिखा, क्या लिखा, पहली बार लिखते हैं हम, मुझे ये बताया जाए कि क्या डीओपीटी की गाइडलाइंस का पालन किया गया, ये जिस यूनिवर्सिटी में भेज रहे हो इस यूनिवर्सिटी ने और कौन कौन से कार्यक्रम कराए, इससे क्या ऑब्जेक्टिव हासिल होगा। अरे मैं मुख्यमंत्री हूं, मैंने देख लिया यार सारा। मैंने एलजी साहब को बोला, मैंने कहा सर आप मेरे हेडमास्टर थोड़ी हो, इतने तो मैं स्कूल में पढ़ाई में बहुत अच्छा था, फर्स्ट आया करता था क्लास में थ्रू आउट, पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक फर्स्ट आया, यूनिवर्सिटी टॉपर था, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में टॉप किया था मैंने, पहले 6th पोजीशन थी मेरी। मेरे मास्टरों ने आज तक मेरा होमवर्क ऐसे चेक नहीं किया जैसे एलजी साहब आज मेरी फाइलें लेके बैठ जाते हैं, स्पेलिंग गलत है, हैंडराइटिंग खराब है, ये ऐसे क्यों नहीं लिखा, ये वैसे क्यों नहीं लिखा। मेरे मास्टरों ने ऐसे नहीं किया जैसे एलजी साहब मेरा होमवर्क चेक करते हैं। मैं चुना हुआ मुख्यमंत्री हूं, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने मेरे को चुन के भेजा है, आप कौन है? मैंने उनसे पूछा आप कौन है, ये मैंने पूछा एलजी साहब से, मैंने कहा सर आप कौन है, मेरे को तो जनता ने चुन के भेजा। कहते मेरे को प्रेसिडेंट ने भेजा। मैंने कहा वैसे ही जैसे अंग्रेज वाइसराय भेजते थे वैसे ही आपको प्रेसिडेंट ने पहले बोले आपकी सरकार अच्छी नहीं चल रही, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, आपकी सरकार में ये। मैंने सर वो वाइसराय जो होते थे ना वो कहते थे यू ब्लडी इंडियंस, यू डोंट नो हाउ टू गवर्न। मैंने कहा एलजी साहब आज आप भी वही भाषा इस्तेमाल कर रहे हो, यू ब्लडी डेली वालाज, यू डोंट नो हाउ टू गवर्न। मैंने कहा सर दिल्ली छोड़ दो हमारे हालात पे, हम अपनी दिल्ली चला लेंगे। कहते हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कराओ। मैंने एलजी साहब से पूछा सर मेरे को वो धारा बता दो संविधान की, मैं सारे सर ये जो आज मैं लेके आया हूं ना ये सब लेके गया था मैं एलजी साहब के पास, ये सारी चीजें लेके गया था। मैंने कहा सर ये आपके सामने रखी है, अब मेरे को इसमें दिखा दो आपको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ऑर्डर करने की पावर किस कानून के तहत है।
कौन सा कानून सुप्रीम कोर्ट का आदेश आपको ये पावर देता है कि आप दिल्ली सरकार के किसी काम की कॉस्ट बेनिफिट मैं कराऊंगा, मेरे को जनता ने कहा है मैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कराऊंगा, ये सदन है, ये सदन कराएगा, इसकी कमेटियां कराएगी, ये कमेटियां कराती है, ये सौरभ मेरे को बताता है, राजेश बताता है, सोमना, ये सारे बताते हैं, ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ये लोग कराएंगे। आप कौन होते हो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कराने वाले? दिल्ली के अंदर चुनाव हार गए और उसके बाद अब कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, आपके पास तो पावर नहीं है। मैंने उनसे पूछा, उनके पास कोई जवाब नहीं था। फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर ये 10 एल्डरमैन कैसे बना दिया आपने, ये तो आपके पास पावर नहीं है, तो ट्रांसफर सब्जेक्ट है, एमसीडी एक्ट तो ट्रांसफर सब्जेक्ट है, आपने 10 एल्डरमैन कैसे बना दिए? बोले उस कानून में लिखा है एडमिनिस्ट्रेटर शैल अपॉइंट 10 एल्डरमैन। तो मैंने उनको ये एक और दूसरा ऑर्डर दिखाया सुप्रीम कोर्ट का, ये 2019 में आया था सुप्रीम कोर्ट में, इसमें लिखा है कि जहां एडमिनिस्ट्रेटर लिखा होगा वहां भी मंत्रियों की चलेगी, वहां भी मुख्यमंत्री की चलेगी, ये लिखा हुआ है, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश मैंने उनको दिखाया। मैंने कहा सर ये लिखा हुआ है कि एडमिनिस्ट्रेटर लिखा है तब भी हमारी चलेगी, आपकी नहीं चलेगी। तो वो तो सुप्रीम कोर्ट को मानते ही नहीं, वो तो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट की तो राय है। उसके बाद एक हाई कोर्ट का ऑर्डर है, वो भी मैं लेके गया था, और कुछ हो ना हो एलजी साहब ने मेरे को वकील तो अच्छा बना दिया। ये 1998 का जजमेंट है ओपी पावा, इसमें साफ साफ लिखा है मोटर व्हीकल्स एक्ट में डेफिनेशन है लेफ्टिनेंट गवर्नर, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली मींस लेफ्टिनेंट गवर्नर, इसमें लिखा है सारी पावर दिल्ली सरकार की होगी, सारी पावर मुख्यमंत्री की होगी। तो अगर एडमिनिस्ट्रेटर भी लिखा है, लेफ्टिनेंट गवर्नर भी लिखा है, तब भी सारी पावर दिल्ली सरकार की है, एलजी साहब की पावर नहीं है, ये सारा मैंने उनको बताया। पर वो तो माने ही नहीं, वो तो बोले कि मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूं। फिर मैंने कहा सर आप आजकल रोज चीफ सेक्रेटरी को ऑर्डर दे देते हो, मतलब रोज सवेरे उठते हैं, अपना लेटर हेड मंगाते हैं, लेटर हेड में लिखते हैं चीफ सेक्रेटरी इसको यहां का चेयरमैन बना दो, और चीफ सेक्रेटरी को भेज देते हैं, चीफ सेक्रेटरी लागू करा देता है। हम मुंह बाके देखते हैं, हम तो क्या हो गया, ये टीवी में चल रहा है, अखबार में आ गया, इसको लिख देते हैं, ये इसको एल्डरमैन बना दो, इसको यहां का ये बना दो, इसको ये चल क्या रहा है। मैंने एलजी साहब से पूछा, मैंने कहा चीफ सेक्रेटरी को सीधे ऑर्डर कैसे देते हो, मुख्यमंत्री मंत्री इनके थ्रू फाइलें क्यों नहीं जाती, सीधे चीफ सेक्रेटरी को ऑर्डर दे देते हो आप किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर? बोले मैं शासक हूं, मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूं, मैं कोई भी ऑर्डर दे सकता हूं, किसी को भी ऑर्डर दे सकता हूं, ना तो वो संविधान मानने को तैयार है और ना वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर मानने को तैयार है। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर ये योगा क्यों बंद करा दिया, मोहल्ला क्लिनिक के अंदर चुनाव के एमसीडी चुनाव के नतीजे 7 तारीख को आए थे, उसके 2 महीने पहले से सारे डॉक्टरों की तनख्वाह बंद करा दी, सारे मोहल्ला क्लिनिक के रेंट बंद करा दिए, सारे मोहल्ला क्लिनिक की बिजली बंद करा दी, बिजली के बिल पेमेंट बंद करा दी, सारे टेस्ट बंद करा दिए। मैंने कहा सर ये क्यों करा दिया? दिल्ली जल बोर्ड की 3 महीने से सारी पेमेंट बंद। बड़ी मजे की बात है कि 7 तारीख को नतीजे, 8 तारीख को मोहल्ला क्लिनिक की सारी पेमेंट हो गई, तो नीयत खराब थी। जल बोर्ड की सारी पेमेंट्स बंद करा दी, हमारे जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बन रहे थे उनकी कंस्ट्रक्शन रुक गई, जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बन रहे थे उनकी कंस्ट्रक्शन रुक गई, डीटीसी के अंदर महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो बस मार्शल हमने लगा रखे हैं उनकी तनख्वाह 3 महीने से बंद करा दी। मैंने सर बोला, मैंने कहा सर सारे अफसर दबी जुबान में कह रहे हैं कि एलजी के ऑर्डर थे कि या तो ये सारी पेमेंट बंद करो, आम आदमी पार्टी की सरकार को बदनाम करो, केजरीवाल को बदनाम करो, नहीं तो तुमको धमकी दी सारे अफसरों को कि मैं सस्पेंड कर दूं। कहते मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने कहा सर अगर आपने ऐसा नहीं किया तो सारे अफसरों को सस्पेंड करो, जिन जिन अफसरों ने ये पेमेंट रोकी उनको करो सस्पेंड, आज तक सस्पेंड नहीं। फिर एलजी साहब ने एक बात कही जो बड़ी चौंकाने वाली है। एलजी साहब ने कहा कि इनकी बीजेपी वालों की 20 सीट भी नहीं आ रही थी, ये तो मेरी वजह से 104 सीट आई हैं। ये तो मेरी वजह से 104 सीट आई हैं, तो इसका मतलब जानबूझ के सारी पेमेंटें रुकवाई थी। बोले अब देखना तुम्हारी 7 की 7 सीट लोकसभा में बीजेपी की आएंगी
और अगली बार तुमको मैं चुनाव नहीं जीतने दूंगा विधानसभा का। एलजी साहब मुख्यमंत्री को खुलेआम धमकी देते हैं कि अगला विधानसभा वो यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली को चलाने थोड़ी आए हैं, दिल्ली को ठप करके केजरीवाल को और आम आदमी पार्टी को बदनाम करने आए। हम राजनीति करने नहीं आए सर, हम यहाँ राजनीति करने नहीं आए, हम लोगों की सेवा करने आए हैं। चुनाव जीते ना जीते हैं, राजनीति लगी रहती है, चुनाव आते जाते रहते हैं। देश जरूरी है, लोग जरूरी है, लोगों की जिंदगी जरूरी है। लोगों को इतनी प्रताड़ना करके, लोगों के मोहल्ला क्लिनिक बंद करा के, लोगों के पानी बंद करा के, लोगों की बिजली बंद करा के अगर आप चुनाव जीतना चाहते हो, चुनाव आपको मुबारक। हम लोगों की सेवा करेंगे, हम आपकी तरह नहीं गिर सकते, हम आपकी तरह इतनी गंदी हरकतें नहीं कर सकते। एक प्रश्न ये उठता है कि अगर चुनी हुई सरकार की कोई पावर ही नहीं है तो इस देश की आजादी की लड़ाई क्यों लड़ी थी? हमारे लोगों ने इसलिए थोड़ी लड़ी थी कि एक वाइसरॉय जाएगा और एक लेफ्टिनेंट गवर्नर आके बैठ जाएगा, इसलिए तो आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी थी। तो अध्यक्ष महोदय, अपने देश की आजादी को बरकरार, हम तो सारे आंदोलन से निकले हुए लोग हैं, आजादी को बरकरार रखने के लिए, जनतंत्र को मजबूत करने के लिए, संविधान को मजबूत करने के लिए हमें जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी हम सारे मिलकर वो कुर्बानी देंगे। लेकिन जनतंत्र को और देश की आजादी को इस तरह से हम खराब बिल्कुल नहीं होने देंगे। ये जो सौरव का प्रस्ताव है, मैं इस प्रस्ताव का पूरी तरह से समर्थन करता हूं। अब श्री सौरभ भारद्वाज जी माननीय सदस्य द्वारा प्रस्तुत संकल्प सदन के सामने है। जो इसके पक्ष में वहां के हैं, जो इसके विरोध में वहां के हैं, हाँ पक जीता, हाँ पक जीता, संकल्प स्वीकार हुआ। कि अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा।